कबला रखवाला शिव जी डमरूवे वाला जी डमरूवे वाला बड़ा ही दयाला मेरा भोले अमली रखवाला शिव जी डमरूवा वाला जी डमरूवा वाला ऊपर गला शरण भोले नाथ जी भोले 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 शंभू भोले 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 प्रेमिया जो तारत शिव जी पापिया जो मारदा जी पापिया जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा शंभा 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 भोले
पापिया जो खैर युग मेरा मैं नाच देती मैं नाच देती बीच शमशाना रहना बोले नाथ जी भोले 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 शंभू भोले 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 कालिया कुटलाना मेरा भोले बाबा किडर कैलाशा तेरा तेरा जी शिवजी तूने रे माता तूने रे माता
बड़ा हित पर मेरा बोले मली भोले 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 शंभू भोले 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 शंभू भोले 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 महादेवा शंभू महादेवा धरणम रूडम डम आधी लाइन मैं गा रही हूँ आधी लाइन सभी लोग गाएंगे मेरा भोला है भंडारी मेरा भोला है भंडारी भोलना तेरे हो घबरा भांग रगड़ कर बोली भोलना तेरे शंकर भगवान की हिमाचल प्रदेश से निकली है रचना हिमाचल प्रदेश के सिंगर ने गाया हंसराज जी रघुवंशी ने मैंने लाइव में गाया आप लोगों ने बहुत ही सारा पसंद किया लेकिन शंकर भगवान मेवाड़ की ये धरा है राणा महाराणा प्रताप भी एक लिंगनाथ महादेव के भक्त थे अगर आप कहो तो मैं शिव तांडव आप लोगों को सुना दूं और मैं चाहूंगा कि छोटू सी भाई आप मेरे साथ गाए और लास्ट में जो मेरे शिव जी के जो भजन है वे मैं अपनी रिदम में लूंगी पर अभी जो अभी आपकी राजस्थान की रिदम चल रही है तो मेरी इच्छा है कि भाई मेरे साथ गाए और हमें भी पहली बार मौका मिला है तो आइए भाई आहा क्या बात के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं ऊंचो गढ़ चित्तौड़ी अलग है तीर्थ दुनिया जानी आजादी को बलि दे दी अर्धी प्रताप कुर्बानी देखिए मैं ये सोचा था कि ये कार्यक्रम बड़ा शांतिपूर्वक होगा लेकिन इस कार्यक्रम को बड़ा हाईफाई कर दिया आप लोगों ने अभी भी मैं चाहता हूं अपने पास वक्त है और इतना शांति से बैठ जाए देखिए मान लिया कि 99% आप गीता बहन रवारी के लिए यहां पर पधारे पर अगर 1% भी अगर गौ माता के लिए और सनातन धर्म के लिए आए हो तो वहां पर बैठ जाए अगर 1% भी अगर अपने धर्म के लिए आए हो 1% भी अगर गौ माता के लिए यहां पर आए हो तो शांति बनाकर बैठो और मेरा वचन है ऐसे भजन सुनाऊंगा आपको कि आनंद आ जाएगा आराम से बैठ जाइए